सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीयू ने अभी अभी एक नोटिस निकाला जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस डीयू ने रिलीज कर दिया है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। ऑल्सो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए जो कह सकते हैं कि प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डीयू ने निकाली, तो वीडियो में एंड में पूरा आपको बताऊंगा। एंड तो इसलिए वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए एंड प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। तो मेन चीज ये आती है कि सबसे पहले तो लिखा हुआ है गाइडलाइंस रिलेटेड विद द ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो मेन चीज ये है कि ये जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो यूजी प्रोग्राम्स के, चाहे वो एनसीवेप हो, चाहे एसओएल हो, चाहे वो रेगुलर के हो, हर के लिए ये चीज नोटिस है, मेन ये लिखा हुआ है। एंड जो ये पहले कह सकते हैं दो पैराग्राफ में मैं आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ ब्रीफली क्या है इस चीज में। उन्होंने बताया कि जो डीयू है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्योंकि जो प्रॉपर पुराने कन्वेंशनल मोड है वो इस समय में ओपन बुक एग्जामिनेशन के सिवाय कुछ और लग नहीं रहा उनको, एंड इसलिए कन्वेंशनल मोड यूज नहीं कर सकते वो कोविड-19 की सिचुएशन में। तो इसलिए वो एक वन टाइम मेजर लेके ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो मेन चीज इन दो पैराग्राफ में यही है। आगे जो देखने वाली चीज है प्रॉपर, आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें पढ़ने वाली है वो है कि वन टाइम मेजर है। अब जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो मेन चीज जैसे है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें भी आपका लिखा हुआ है कि ओबी डू नॉट एंटायरली रिक्वायर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो मेन उन्होंने बताया कि प्रॉपर इसमें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। मेन आपको यह है कि आपको पेपर डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर अपना, पेपर आंसर शीट करके उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है वेबसाइट पे, जो भी पोर्टल पे। तो मेन चीज उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें ना आपका बहुत ज्यादा नेट लगेगा, सिंपल ये बहुत प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर और ये बहुत नॉर्मल आप किसी भी स्मार्टफोन से कर सकते हैं। तो मेन चीज जैसा पहले उन्होंने बताया था वही चीज इसमें ये लिखी हुई है। जो नेक्स्ट चीज ये आती है कि द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर शैल बिगिन फ्रॉम 1 जुलाई 2020 एज नोटिफाइड। जो कल आ गई थी नोटिफिकेशन, डेट शीट आ गई थी टेंटेटिव, तो उसके लिए बता रखा है, वो वीडियो बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो पर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, अब वो देख लीजिएगा। तो प्रॉपर उन्होंने ये बताया हुआ है कि द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन ओबी मोड की उन्होंने रिलीज कर दिया है एनसीवेब एसओएल और रेगुलर सबके लिए 29 तारीख को, कल कर दिया उन्होंने इस चीज को अपलोड। एंड मेन चीज आती है कि जो टेंटेटिव डेट शीट है वो कब फाइनल होगी, ये चीज आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि डीयू ने अपना डिसीजन लेना है जब आप जो स्टेक होल्डर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिसीजन देंगे, अपने कह सकते हैं अपने सजेशंस देंगे एक तरीके से उनकी ईमेल आईडी पे, एंड उसको कंसिडर करने के बाद ही डीयू एक फाइनल डेट शीट रिलीज करेगा सबके लिए। तो मेन चीज इसमें यही लिखा हुआ है पूरे इसमें कि टेंटेटिव डेट शीट रिलीज हो गई है, आपको अपने सजेशन देना उस डेट शीट के अगेंस्ट, एंड जो भी सजेशन होंगे उनके बेस पे फाइनल डेट शीट डीयू रिलीज कर देगा कुछ टाइम में। तो मेन चीज बात है कि फॉर एक्स स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो ये जो है वो आती है कि जो एक्स स्टूडेंट्स है जो कॉलेज से जा चुके हैं एंड जो स्टूडेंट अपने मार्क्स इंप्रूव करने के एग्जाम दे रहे हैं, तो मेन चीज आती है एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द शेड्यूल डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो जिस ईयर में आप जैसे कहते हैं आपका अगर किसी कौन से ईयर में बैक है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु हैव बैकलॉग दैट इज ईआर, तो जिन स्टूडेंट्स की फाइनल ईयर में है और उनकी किसी में ईआर मतलब एसेंशियल रिपीट किसी की है किसी प्रीवियस ईयर में, तो इन देयर प्रीवियस सेमेस्टर शैल रीअपियर फॉर द सेम एज पर द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको उसके लिए रीअपियर होना पड़ेगा एज पर द शेड्यूल, जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इन द ईयर 19 कैन ओनली अपियर फॉर एन इंप्रूवमेंट इन देयर 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज पर द डेट शीट शेड्यूल एंड एप्लीकेबल रूल्स इन द रिगार्ड। तो जो स्टूडेंट पास आउट कर चुके फाइनल ईयर के लिए तो वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए 6th सेमेस्टर की इंप्रूवमेंट के लिए बैठ सकते हैं एग्जाम में। द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर कैन अपियर फॉर इंप्रूवमेंट इन पेपर ऑफ 4th सेमेस्टर ओनली। तो जो 6th जो आपके 6th सेमेस्टर में है और जो फाइनल ईयर में है वो अपने 4 सेमेस्टर के इंप्रूवमेंट के लिए बैठ सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। जो नेक्स्ट चीज आती है वो स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द ओबीई एंड विश टू इंप्रूव देयर ग्रेड्स। तो मेन चीज है जो स्टूडेंट अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड आगे जाके वो अगर अपने ग्रेड्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी एग्जाम आगे दे सकते हैं। दैट इज पेपर लिस्टेड फॉर ऑड सेमेस्टर कैन बी अटेम्प्टेड। जो ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका एग्जाम 2021 में वो दे सकते हैं जनवरी में, एंड जो इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है वो 2021 में मई जून में अपने पेपर दे सकते हैं। तो मेन चीज आती है कि जो स्टूडेंट अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड वो चाहते हैं आगे जाकर अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना ना, तो वो अपने इन प्रॉपर ऑड सेमेस्टर के इस टाइम पे एंड इवन सेमेस्टर के इस टाइम पे अपने एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। तो प्रॉपर ये चीज आ गई है। एक नेक्स्ट चीज आती है ऑल स्टूडेंट शुड ऑल्सो एंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्स हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। तो मेन चीज ये कि आपको बोला गया कि आप एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो आपने फिल कर दिया होगा। द एडमिशन टिकट्स शैल बी सेंट टू द स्टूडेंट बाय द कॉलेज थ्रू ई मोड।
तो मेन है कि जो आपका कॉलेज है वो आपको आपके एडमिशन टिकट सेंड कर देगा थ्रू ईमोड, जो भी ईमोड वो अपनाएंगे। द स्टूडेंट्स शुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट बिसाइड्स यूजिंग द ऑफिशियल ईमेल एंड एसएमएस सर्विसेज। मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप में ऑल्सो बीन अडॉप्टेड बाय द कॉलेज फॉर सेंडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। तो मेन चीज है कि स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा, चाहे वो ईमेल हो चाहे वो एसएमएस हो। ऑल्सो व्हाट्सएप का यूज भी करना पड़ेगा उन्हें, ताकि कॉलेज की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। नेक्स्ट चीज आती है, द स्टूडेंट्स मे कॉन्टेक्ट इन एडवांस विद देयर कॉलेज थ्रू ई मोड टू अवेल द आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर एग्जामिनेशन। Subject to availability of these facilities, the college may decide to extend the same their students in limited number those who need to be taken care in case of non-availability of internet and hardware required for examination. However, norm of social distancing, safety and health issues have to be taken care at priority and no compromise should be allowed while extending facilities. If number increases, the student can avail the facilities available at common service center. तो मेन चीज उन्होंने बताया कि जिन स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे अपलोड करने डाउनलोड करने का अपलोड करने का, तो कॉलेजेस भी उनमें हेल्प कर सकते हैं, बट उन्हें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर ये चीज उन्होंने कहा है। या फिर आप चाहे तो कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी हेल्प ले सकते हैं अपना एग्जाम करने के लिए। तो ये प्रॉपर उन्होंने बताई है चीज। द क्वेश्चन पेपर शैल बी एक्सेस्ड बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स from the designated portal as per schedule notified by the examination branch and conveniently downloaded. तो मीन से आपको जैसा पता है कि क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो भी पोर्टल अभी शेड्यूल के हिसाब से आपको पता चले, एग्जामिनेशन ब्रांच आपको बता देगी वेल इन एडवांस। द एग्जामिनेशन ब्रांच शैल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर एट द ईमेल ऑफ द कॉलेज ऑन ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईच सेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इन केस इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट फेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल ही और शी मे रिक्वेस्ट द कॉलेज फॉर द सेम। द कॉलेज शैल सेंड द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली टू द ईमेल एड्रेस फोन और व्हाट्सएप ऑफ द स्टूडेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मेन चीज बात है कि जो एग्जामिनेशन ब्रांच है वो कॉलेज की ईमेल आईडी पे भी क्वेश्चन पेपर भेज देगी, ताकि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और वो स्टूडेंट अपने कॉलेज से व्हाट्सएप पे किसी के थ्रू वो क्वेश्चन पेपर ले ले। Similarly, in case for any reason if the students are not able to upload their answer sheet on the portal, the same can be sent in PDF format at the designated email address of the college during the time specified. However, it may be noted that this option may be exercised only in case of an emergency. तो मेन चाहते हैं कि जो स्टूडेंट अभी अपने पेपर को अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो PDF बनाकर अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी पे भेज दे एक डेजिग्नेटेड टाइम में, एंड ये चीज तभी हो जब कोई इमरजेंसी हो। The college will notify the telephone numbers and alternative mobile numbers to be used by the student in case of any requirement query during examination days. तो proper college भी आपको एक number दे देगा जिसमें आपको कोई problem हो तो आप वहां से discuss कर सकते हैं। The student shall answer the question on plain paper of A4 size. Students should put page number on each paper. तो मेन चीज है कि आपको A4 साइज की शीट पे आपको करना है, और ईच पेपर पे जो नॉर्मल आप करते हो वो चीज करनी है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ओबी शैल बी ऑफ 3 hours ऑफ विच 2 hours शैल बी गिवन आउट टू द स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड एन एडिशनल आवर शैल बी यूटिलाइज फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द स्कैंड इमेज ऑफ आंसर शीट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मेन चीज है कि आपको कुछ नहीं करना, बस 3 घंटे मिलेगा आपको, 2 घंटे में आपको आंसर्स करने हैं अपने, एंड बाकी 1 घंटे में आपको जो है कि वो आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, स्कैन करने के लिए, हर चीज के लिए आपको वो 1 घंटा मिला है। The students belonging to the PWD category shall be given 5 hours to complete the examination. So, जो PWD category के students हैं, उनको 5 घंटे मिलेंगे complete करने के examination को. To check the use of any unfair means during the examination, each student shall be required to fill up undertaking through button provided on the portal before uploading of the scanned images of answer scripts. The performer for the undertaking shall be made available to the students on the portal from where क्वेश्चन पेपर्स आर डाउनलोड बाय स्टूडेंट्स। तो मेन चीज आपको एक अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी, ताकि कोई आप चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई अनफेयर मीन्स यूज नहीं हो रहा, तो आपको अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी जब आप अपलोड करेंगे अपने पेपर को। तो नेक्स्ट जाती है वो है यूनिवर्सिटी केयर्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अपियर फॉर द ओबी रिमोटली एंड दस विल गिव सच स्टूडेंट्स वन मोर चांस टू अपियर फॉर द कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज एंड व्हेन द प्रेजेंट सिचुएशन इंप्रूव्स। तो ये चीज उनके लिए जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए कह सकते हैं ओबी के लिए रेडी नहीं है एंड वो रिमोट एरियाज में है एंड वो अपियर नहीं हो सकते, तो उनके लिए है कि डीयू है प्रॉपर आगे जब कन्वेंशनल मोड यूज हो सके तब आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। द कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन सच केस इफ रिक्वायर्ड शैल बी कंडक्टेड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट of OBE. The fresh dates for filling in examination form for the left out students of final year shall be notified probably by the beginning of September 2020. So main cheez ye aati hai ki aapka ye important hai कि जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाते तो वो अपना एग्जाम आगे दे सकते हैं, एंड मेन चीज ये है कि वो कन्वेंशनल मोड यूज कर सकते हैं, एंड जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी फ्रेश डेटशीट आ जाएगी एंड आपको फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज ये है कि मॉक टेस्ट शैल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल 1 week prior from the commencement
ऑफ द एग्जामिनेशन टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन टू बिकम अवेयर अबाउट द मोर। तो मेन चीज है कि आपको एक मॉक टेस्ट दे देंगे जिससे आपको प्रिपेयर आप हो सके कि कैसे ये एग्जाम आपको देना है। तो ये जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर रेजिडिंग एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर सच एरियाज ऑल ओवर इंडिया विच लैक द इंटरनेट एंड हार्डवेयर फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द ओबी एंड हैव स्टक अप एट देयर प्लेसेस ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक टू फैसिलिटेट सच स्टूडेंट्स ऑफ डीयू एज अ मेजर has finalized to engage common service center under the ministry of electronics and information technology government of india। to unhone proper ek center bana denge wo jahan pe jo student unable hain is cheez karne ke liye wo yahan pe jaake apna exam de sake। the student shall be allowed to use the ict infrastructure resources available with the csc for downloading and taking print out। to wo proper scanning ko unhone bata rakha hai ki aapko wo usse mil jayegi help। the students can avail all these facilities free of cost available at csc's। to aapko proper isme free of cost cheeze milengi and there are more than 2 lakh functional CSCs located at almost all gram panchayat। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपके पास proper facility नहीं है तो आप यहाँ जाके अपना exam दे सकते हैं and proper facility आपको free of cost मिल जाएगी। student can access the detail of CSC available at their nearest location from the official website of the ministry of electronics। तो वहाँ पे जाके आप अपने CSC को locate कर सकते हैं। एंड मेन चीज है कि दो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं हु शैल अवेल द फैसिलिटीज एट द सीएससीज आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर स्क्राइब्स एज पर रूल एंड एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको अपने स्क्राइब लेके आना है। ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीएससी शैल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ओबीई। तो प्रॉपर आपके पास जो सीएससी की डिटेल्स है वो आपके पास पहले आ जाएंगी। द स्टूडेंट्स कुड चेक द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो वो आपको बता रखा है कि टेंटेटिव शेड्यूल आप एक बार चेक कर लीजिए। अब मेन जो आता है वो नोट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गाइडलाइंस रिलेटेड विद इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग एनसी वेब एंड एस वेल फॉर द अकेडमिक सेशन 19-20 इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक शैल बी नोटिफाइड लेटेस्ट बाय 5th of June। तो 5 जून को फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के जो कह सकते हैं गाइडलाइंस आ जाएंगी एंड क्या होगा उनके लिए वो 5 जून को पता चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ऑफलाइन वेबसाइट ऑफ डीयू दैट इज du.ac.in शैल ओनली बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक फॉर ऑल पर्पजेज। Students are advised to be in touch with college for specific updates. The above guidelines are valid only for final year students for the academic 19-20. तो मेन चीज आपकी आ गई है कि प्रॉपर मैंने पूरा आपको डिटेल्स बता दिए कि ये सब आपका वो है डिटेल्स एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो गाइडलाइंस है वो 5 जून तक आ जाएगी। तो प्लीज आप वेट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको सही, तो प्लीज शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।